आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन, द ग्राफ गिवन बिलो शोज द जर्नी ऑफ अ मैन हु स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड रिटर्न एट द सेम ऑफ द डे एंड ऑफ द डे। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। इन द ग्राफ इन एक्स एक्सिस वी हैव गिवन टाइम and on y-axis we have given time traveled in kilometers. Now, as there are total 8 questions in this question. So, at what time did the man start from his home? देखिए ग्राफ से कहा जा रहा है, देखिए बताना है उसने कितने बजे स्टार्ट किया। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट है 10 a.m. So, we can say कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 10 a.m. पे the man has started his journey. ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन द फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ हिज जर्नी। तो फर्स्ट 4 आवर मतलब कहाँ तक हो गया, टिल यहाँ पे 2 पीएम तक इसने अपनी जर्नी कितनी कवर करी। तो 2 पीएम पे जब हमने इसको देखा इट इज फ्रॉम 16 किलोमीटर आई। लिख सकते हैं कि इन फर्स्ट 4 आवर्स, इन फर्स्ट 4 आवर्स ही ट्रेवल्ड 16 किलोमीटर्स only. Now third part of the question. In the third part it is asking what was he doing from 3 pm to 5. 3 to 5 मतलब हमें ये वाला part बोल रहा है, 3 to 5 इसके बीच में आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 यहाँ आ जाएगा। ये लिख सकते हैं ये 3 हो गया और ये 5 clear है, इस बीच में इसने rest किया है, no traveling. तो आप लिख सकते हैं he was taking rest क्योंकि कोई भी उस duration में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। सो ही वाज टेकिंग रेस्ट बिटवीन 3 पीएम टू 5 पीएम। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज आस्किंग व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हिम ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी टोटल। देखिए कैसे निकालेंगे फ्रॉम द ग्राफ, टोटल डिस्टेंस अगर आप देखें तो देखिए पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया 20 तक, फिर रेस्ट जो फिर 20 तक वापस आया, 20 जाना 20 आना टोटल 40 किलोमीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज थ्रू आउट द डे इज 40 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ए से बी पहले वो गया है वो है 20 किलोमीटर और फिर देखिए बी से सी तो रेस्ट था तो इसमें तो जीरो हो जाएगा, 0 किलोमीटर। फिर सी से डी वापस आया अगेन उसने 20 किलोमीटर की ट्रेवलिंग की, तो टोटल किया तो कितना आ गया 40 किलोमीटर इज द आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल इन द फर्स्ट 8 आवर्स ऑफ द जर्नी। फर्स्ट 8 आवर्स ऑफ द जर्नी देख लेते हैं, तो इट इज क्लियर कि उसने टोटल मिला के फर्स्ट 8 आवर्स मतलब 10 एएम से लेके 6 am तक के पीएम के बीच में 24 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो लिख सकते हैं फर्स्ट 8 आवर्स कितने हो गए, इट विल बी 10 am टू 6 pm, टोटल डिस्टेंस हुई 24 किलोमीटर। ठीक है, कैसे की हमने यहाँ पे देखा, देखिए यहां से अगर आप ट्रेवलिंग को एड ऑन करेंगे तो पहले 10 से 12 दो दो किलोमीटर का डिफरेंस चल रहा है, 12 से 2 फिर 2 से 4 और हम यहाँ पे आ जाएगा 6। इस 6 तक में जो डिस्टेंसेस ट्रेवल करी हमने सबको एड ऑन कर लिया है। नाउ इट इज सिक्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सिक्स पार्ट भी क्या कह रहा है, बाय व्हाट टाइम कुड ही कवर 16 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी। देख लेते हैं 16 किलोमीटर, अभी हमने वैसे किया था कि उसने 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी, ये था एट 2 पीएम। ठीक है, तो कितने बजे तक पूछा था, तो लिख सकते 2 pm। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डिड ही रिटर्न होम, घर कितने बजे वापस आया, रात के 10 बजे मतलब 10 pm। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ए टू बी एंड बी टू सी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो ए टू बी की एवरेज स्पीड निकाली हमने,
डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो 20/5, तो आ गया 5 घंटे लगे थे 4 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड फ्रॉम, अब हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, एवरेज स्पीड देखिए, पहले ए से बी गया, बी से सी में तो 0 हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा ए टू बी या बी टू सी, तो बी टू सी में तो डिस्टेंस ट्रेवलिंग ही नहीं हुई है, तो 0/2 कितना आ गया, 0 किलोमीटर पर आवर। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।